मैं तो कह रहा हूँ बड़ी दरी पे रख दो अभी राहुल, वो फाइनल तो पता चले ना उसको सीन क्या है। तो गाइस फाइनली हमारी लेडी वाली की डिलीवरी हो गई है। तो राहुल ने मुझे अचानक बुलाया, अभी तक सब कुछ ठीक था, एकदम फोन आया, तुमने मुझे बुलाया घबरा के, क्या हुआ? राहुल तुम इतने घबरा के फोन कर, तुम सीधा बोल दो इमरजेंसी सिचुएशन है। तुम्हें क्या लग रहा है एक और बच्चा है? अंदर अंदर रखा हुआ। बहुत अच्छी डिलीवरी की है राहुल ने। हाँ तुम्हें ग्लव्स स्टेराइड ब्लेड सेंटा समेत निकलेगा, फिर सेंटा समेत नहीं निकला तो मर जाएगा, खून लॉस हो गया। तो खून लॉस नहीं होगा, प्लेसेंटा काट दिया उसको। दो दिन उठा के कहाँ जाने मेरे रसगुल्ले ने, कहाँ जाने गर्दन उठा के। चलो और बाकी भाई बहन कहाँ है? बाकी भाई बहन ये रे। गाइस ये बेड फाइनली चमेली के बच्चों का प्रिपेयर हो गया, मैंने इसको थोड़ा और वो कर दिया। लूना खाना खाओ, इधर आओ। यार मुझे लग रहा है कि बेबीज हो गए हैं सारे। नहीं, एक और रह गया तुझे लग रहा है? तो यहाँ मन्नी ना बेबीज को दूध लगा रही है मम्मी के पास। मेरे को लग रहा है या तो वो अनकंफर्टेबल है, पर पिलाना तो पड़ेगा, वो खुद लग जाएंगे थोड़ी देर, छोड़ दे माँ के साथ। मैं तो कह रहा हूँ इनको ना एक बड़ी दरी पे रख दो। अभी राहुल वो फाइनल तो पता चले ना उसका सीन क्या है। मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को छोड़ दे, खुद पी ले। वो ना उसकी नाल एक दूसरे की खाने लग गए थे बच्चे। अच्छा, सब कर रहे थे एक दूसरे की नाल, तो मैंने कहा थोड़ा पिला के देखूंगा पीते। तो मन्नी ने बच्चों को दूध लगा दिया फाइनली, और ये माँ के साथ ही रहेंगे सारे के सारे। हीटर हमने ऑन किया हुआ 24/7, एक वार्म सा रूम और एटमॉस्फेयर दे दिया। ये कमजोर वाली ना बड़ी मुश्किल मैच कर पा रही है। तो यहाँ रख दे, खुद बच्चे देख के सीख लेगी। अगर इसने दो दिन भी दूध पकड़ लिया ना मन्नी, अभी ना कमजोर है ना, पी रही है ऐसा नहीं है, लेकिन ना पकड़ के बैठ नहीं पा रही, वो धक्का मारते हैं दूसरे बच्चे तो हट जाती है। तो फिर हमें ही करना पड़ेगा ये। देखो कैसे। गुड मॉर्निंग चमेली एंड परिवार, गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम्हारे छोटे छोटे रिश्तेदार आ गए हैं। लेडी ओली को फाइनली पपीज हो गए हैं, और मुझे पता है तुम लोग भी सुबह से जाग रहे हो जब से उसके पपीज हुए हैं। तो गाइस फाइनली लेडी ओली की डिलीवरी करवा ली है, दिन के बच्चे हैं 10, हम लोग सुबह 4:30 बजे से उठते हैं। और ओ माय गॉड भूखू लगी है। यहाँ पे हम लोग लेकर आए इनका खाना, तो बहुत बहुत सारा काम था आज, लेकिन अच्छे से स्मूथली सब निपट गया। क्यों भैया? आराम से निपट गया सब कुछ। आज क्या दिया भैया? ये शिवानी का जो दलिया बासा बना था वो दिया। हाँ। राइस दिया और दूध दिया। अच्छा चलो, ये भूल गया मैं भिगोना ना। हाँ चलो कोई नहीं, अभी आप ये दे दो, वो शाम को जरूर दे देना जो रॉयल कैनिन है। ठीक है चलो, अच्छे से वो करो। वेरी गुड, कोई बात नहीं। आज अरुण भैया सुबह से लगे हुए ना हमारे साथ, पर फिर भी देखो हमने अपना फर्ज पूरा करना है तो करना है। वो वाला जो रॉयल कैनिन वाला पार्ट है वो शाम को दे देंगे। चलो समीर वो तो आओ आओ आओ, इन लोग अंदर आ आएंगे आएंगे, आएंगे अपने आप आएंगे खाना देख के। जाओ लूना खाना मिल रहा है, जाओ भाग जा। तो खाना मिल रहा है, आ गए हैं। हाय, तो वहाँ राहुल का ब्लॉग बन रहा है, मेरा ब्लॉग बन रहा है, और खाना खा रहे। कोई नहीं, वो कुछ नहीं करी, वो बच्चे सूंग रही है बस भैया। चलो इसके बाद अब मैं नहा लूंगी। ओहो अब देखो ये मजे कर रहे हैं वहाँ पार्क में, कर रहे हैं बब्जी और जोई सैर। यहाँ पे मैं इनको अरुण भैया के साथ नाश्ता करा दिया। तो गाइस आज इंडिया का फाइनल मैच भी है, देखो क्या होता है, कौन जीतता है। तो अभी हम काफ़ी थक चुके हैं, ओली के बच्चों को दूध लगा के आए हैं और ओली के पास छोड़ दिया। कैमरा सेटअप करना है मुझे ऊपर एक और, ताकि मेरे को हर वक्त दिखता रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अभी सब कुछ करती हूँ, नहा लेती हूँ पहले फटाफट, कपड़े एक बार बदल लेती हूँ। काफ़ी इस बार होंगे चेंजेस, कपड़े फटाफट बार बार बदलने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ में तो अपने बच्चों को भी तो खाना खिलाना है ना। ठीक है अरुण भैया आप इन्हें खिला लो, मैं नहाने जा रही हूँ। चलो तो गाइस फाइनली हमारी लेडी ओली की डिलीवरी हो गई है। एक्सरे में 8 बच्चे आए थे, बट आई डोंट नो, हमें लगा होगा 8 बच्चे हैं, बट इधर तो 7 बच्चों की डिलीवरी हो पाई है। बाकी फिर भी हम लोग वेट को हमने कनेक्ट कर लिया, वो एक बार लेडी ओली को फिजिकली एग्जामिन कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो एक एक्सरे भी करा लेंगे। यहाँ पे बच्चे ले रहे हैं फीड, और इतने समझदार होते हैं एनिमल्स, अपने आप बच्चे भी कर लेते हैं। खैर हमने ही कराई, मतलब इनको सब समझ होती है कैसे बच्चे करने हैं। बच्चे देखो पैदा होते ही अपने आप फीट पे भी लग गए, कितनी क्यूटली यहाँ पे अपनी मम्मा के साथ कोजी होके बैठे हुए हैं। तो ये है हमारी लेडी ओली, द रॉटवाइलर, फीमेल रॉटवाइलर लेडी ओली ऑफ नेमेटोलॉजी, हु इज अ न्यू मदर एंड एंजॉयिंग विद हर पपीज। तो राहुल ने मुझे अचानक बुलाया, अभी तक सब कुछ ठीक था, एकदम फोन आया, तुमने मुझे बुलाया घबरा के, क्या हुआ? हुआ मेरे को लग ही रहा था अंदर है, मैं तुम्हें कह ही रही थी, पर वो खाना खा लिया अपना, खाना खा लिया मतलब बच्चा तो अभी है, मुझे ना वो चाहिए, मुर्दिशु चला गया, उसको लगा डिलीवरी हो गई। कोई नहीं हम लोग है ना करेंगे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे धागा चाहिए, ये लो धागा लो।
धागा मैं ले लूं, कपड़ा चाहिए साफ, मर जाएगा। पकड़ो ना ये, ना धागा, ब्लेड भी चाहिए, साफ कपड़ा ये रहा ना, नहीं मरेगा, कोई बात नहीं, देखते हैं, करेंगे, डोंट वरी। चलो जी, जिंदा है, शुक्र है जय माता दी, सांस ले रहा है ना, ये लो कपड़ा। ये कपड़ा सही है? हाँ ठीक है, कमजोर तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसका वो मेरे को लग रहा है प्लेसेंटा डबल निकला है, दूसरा पुराने वाला भी निकल गया, थोड़ा पीछे ये देख, फाइनली इसका अंदर का सब क्लियर हो गया। हाँ धागा सारा गंद निकल गया, मेरी धागा तोड़नी चाहिए। यार राहुल तुम इतने घबरा के फोन कर, तुम सीधा बोल दो, इमरजेंसी सिचुएशन है। अरे इमरजेंसी सिचुएशन की बात नहीं है मम्मी, मुझे लगा वो डेड निकला। राहुल अगर था भी तो बच्चा हमारे को लेडी वाली सबसे पहले है यार, मैंने कंपेयर किया ही नहीं है, जबरदस्ती का मुद्दा मत बनाया। मुद्दा नहीं बनाया, मैं ये कह रही हूँ कि कोई बात नहीं, उसको तो कम से कम शांति पड़ी, वो इतने टाइम से परेशान थी, वो भी तो देखो ना। तो यहाँ राहुल अरे वो अब और ना हो अंदर, तुम्हें लग रहा है और भी होंगे, आठवां तो हो गया, मुझे नौवे का भी शक है, मैं तुम्हें आइडेंटिटी बताऊं। यहाँ पे बात ब्लेड नहीं मालूम, ब्लेड डबल प्लेसेंटा है ना, तो गाइस जो पुराना प्लेसेंटा नहीं निकला था ना वो भी अब फाइनली निकल गया है, मेरा ओला अब फ्री हो चुका है पूरी तरह से। चाट इसे बच्चे को चाट ले, काला वो निकलना ही था, वो लास्ट का है ना, मेल है, चलो शुरुआत भी मेल से हुई थी और लास्ट बच्चा भी मेल ही हुआ है। कपड़ा फोल्ड कर दो नहीं तो अगर गीला है ना फर्श बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली ओली के सारे बच्चे हो गए हैं और ये फाइनल आठवां बच्चा था जो बड़ी देर से अंदर फंसा हुआ था। सुबह 4:30 बजे डिलीवरी शुरू हुई थी और अभी आप टाइम देख लो 10:58, कितने घंटे हो गए राहुल टोटल, 4 से 5 6 घंटे, 6 घंटे में इसकी टोटल डिलीवरी हुई है गाइस, 8 के 8 बच्चों की। लास्ट बच्चे को थोड़ा सर छटाओ, कहां से पीछे से किसके निकलेगा, मेरे निकलेगा बच्चे का ही ओली का, स्टूपिड बातें करती है, बच्चे का ही ओली का है? Obviously. वो तो निकलेगा ही ना राहुल, होता ही, इट्स बट नेचुरल, अगर हो गया तो दे दो मुझे बच्चा, थोड़ा चाट ले। हाँ चाटती है ना बच्चा तो साफ हो जाता है। तो गाइस फाइनली देख लो हमारी लेडी ओली, वॉरियर हमारी लेडी ओली, इसने सारे बच्चे पैदा कर लिए हैं और अब जरा से अपने बच्चों से साइड हुई है तो वहां दूसरे बच्चे रोने लग गए। कोई नहीं, अब इसको भी इसके भाई बहन के साथ मिंगल करा देना। बहुत अच्छी डिलीवरी की है राहुल ने, हाथों में ग्लव्स, स्टेराइल ब्लेड, प्रॉपर जैसे हमें डॉक्टर ने समझाया था बिल्कुल वैसे। गुड जॉब लेडी ओली, वेल डन। इसको कपड़ा दे। तो गाइस राहुल और मैं नीचे चले गए थे कैमरा ऑन करके नाश्ता करने, नहाने धोने, और अभी राहुल का फोन है कि वापस ऊपर आ, वो आ गया था ऊपर और अभी भी एक बच्चा निकल रहा है, तो 8 बच्चों के बाद भी उम्मीद है कि एक और बच्चा है। हाँ जी तुम्हें क्या लग रहा है, एक और बच्चा है? अंदर अटका है, अंदर अटका है, कीले कीले हो गए ना। ये ना निकला, रुक जा रुक जा, इनको अंदर कर दोगे? हाँ तुम तो बिल्कुल ही देख के चलो, तुम्हारा तो वजन देख ला, वो निकल रहा है ओला, और कितने बाबू ना हो गए, कोई नहीं ओला, मतलब ओला की हो रही बेचारी परेशान, कितनी घंटा फंसा हुआ, कोई नहीं अपने आप आने दो। निकल गया मेरे ख्याल से, प्लेसेंटा भी निकल गया, एक बार देख लो कहीं। अरे प्लेसेंटा समेत निकला, प्लेसेंटा समेत नहीं निकला तो मर जाएगा, खून लॉस हो गया तो। खून लॉस नहीं हुआ, प्लेसेंटा काट दिया उसने, निकला प्लेसेंटा भी निकला, वो देखो तभी उठी है ये अपनी जगह से बच्चे छोड़ के, तभी नहीं दूध पिला रही थी वो अब तक। तो गाइस इसी के साथ 9 बच्चा भी होगा, देख लो राहुल मैंने तुम्हें एक्सरे में कहा था कि 9 बच्चे हैं भाई, अब और ना निकले, बस और नहीं है, 9 है, तो प्लेसेंटा अंदर है, बंद हो गया, पर बच्चा निकल आया ना, बच्चा तो निकला है, प्लेसेंटा अंदर अड़ा हुआ है, प्यार से खींच लो, हाँ खींच लो, बच्चे को बचाओ, दोनों हाथ इस्तेमाल करो राहुल, प्यार से दोनों हाथ, बस आ गया, पूरा आ गया, मैंने खींच लिया, बच्चा पकड़ो बच्चा, उसकी नाल तो को देखो, ब्लड लॉस नहीं, ब्लड लॉस नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, मेल है ये भी, 6 मेल हो गए, हमें कहाँ लग रहा था कि फीमेल ही फीमेल है। तो 9वें बच्चे की यहाँ पे राहुल नाल का इंतजाम कर रहे हैं, अब 9 तो फाइनली हो ही गए, 8 सोचे थे हमने गाइस, तो प्लेसेंटा बहुत भारी है, ये पैकेट में 1 प्लेसेंटा था ना सिर्फ, तो मेरे को उठाने में बड़ा भारी लग रहा था, तो फाइनली 9वां बच्चा भी डिलीवर होते हैं, और अलग के पास खाली हो गया,
इससे तो एक्सरे में भी नहीं दिख रहा था, मैं 8 या 9 की आशंका थी। 9 पूरे हुए, पहले 8 लग रहे थे, पहले 7 लग रहे थे, फिर 8वां 2.5 घंटे बाद निकला है। टोटल इसको 6-7 घंटे लगे डिलीवरी में। इस बार तो इसको बहुत पेन, बहुत पेन हुई, देखिए बच्चे ना फंस गए इसके, है ना, बड़े ओखे निकले हैं, तभी तो लड़की परेशान है हमारी, मतलब कैसे खेल रही है अपनी मुन्ने के साथ। तो गाइस फाइनली 9वां बच्चा भी डिलीवर करा लिया, ये देखो मेरे हाथ में चुपड़ा सा चुपू छोटी चुपी। हाँ जी नौ देखो गर्दन उठा के कहाँ जाने मेरे रसगुल्ले ने, कहाँ जाने गर्दन उठा के। चलो और बाकी भाई बहन कहाँ है? बाकी भाई बहन ये रे मम्मा को ढूंढ रहे, मम्मा को 2 मिनट बाहर भेजे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गंद पड़ा हुआ था। ठीक है एक और पोछा लगवा के अब इसको फाइनल क्लीन कर देंगे। आई होप इस सारा बच्चे नहीं है, ये देख लो अलग के छोटे छोटे बच्चे क्या कर ले हैं। और ये देखो ये नया हुआ है 9वां, सबसे लास्ट में ये हुआ है मेल। तो टोटल हो गए हैं 7 नहीं 6 मेल 3 फीमेल। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6, हो गई है इंडिया की पारी खत्म। इंडिया ने बनाए 240, आपको सबको पता ही होगा, ये ब्लॉग तो आप तब देखोगे ना जब इंडिया जीत चुकी होगी मैच, ऐसा ना हो उल्टा हो जाए मेरे को ब्लॉग के नीचे गालियां आ रही है। तो सुबह हो गई थी ओला की डिलीवरी और अब उसके बच्चे हमने उसको अच्छे से सेटअप कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैं अभी फिर से एक ऊपर चक्कर लगाऊंगी तब आपको और दिखा दूंगी। तो अभी मैच का हो गया फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की ऐसी तैसी करनी है, उसके लिए हम खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट करने जा रहे हैं मैं और राहुल, बस वो करके आते हैं वापस और देखते हैं आज क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर आया है हमारे वन ऑफ द वेरी लविंग यूट्यूब फैमिली इंस्टाग्राम फैमिली मिस प्रिया, उन्होंने सामान भेजा है फॉर चमेली एंड हर पपीज। और सर्दियों का मौसम है तो उन्होंने बहुत सारे ब्लैंकेट बिस्तर टाइप का सामान भेजा है चमेली के बच्चों के लिए, तो उसको मैं खोल के उसके शेल्टर में लेकर जा रही हूँ ताकि वो आराम से ना उस पर रेस्ट कर सके उसके बच्चे और उनको ठंड भी ना लगे। देखो कितना अच्छा उन्होंने ऑनलाइन भिजवाया है अमेजोन से, ये दिखाओ दीदी, बहुत वार्म है ना, बहुत सुंदर है ये देखो पूरा ब्लैंकेट, कम्बल है प्रॉपर डबल डबल कर। तो ये चमेली के लिए भेजा है यूट्यूब में से किसी ने, हाँ बच्चे आराम से रहेंगे हाँ। और ये भी मेरे ख्याल से वही है दीदी, सेम है, अभी एक ही बिछा रही हूँ मैं, अब वो थोड़े दिन में खाली खराब कर। तो प्रिया जी अभी मैं एक ही ब्लैंकेट दे रही हूँ, एक मैं अभी संभाल रही हूँ, खराब कर देंगे फिर वॉश करके फिर दूसरा यूज करेंगे। गाइज ये ना बाहर ले जाने नहीं दे रहे चमेली के पास, ये कह रहे ब्लैंकेट हमें चाहिए हमें चाहिए, ये देखना दोनों उसमें घुस गए हैं, वो लड़ रहे हैं, वो देखो शिवाय को, शिवाय बेटे चमेली का है आपका नहीं है, जे हटो जे, बेटे चमेली के लिए भेजा है किसी ने, तुम्हारे लिए थोड़ी भेजा है, ये देखना कैसे बच्चे हैं यार। हाँ नहीं लड़ाई नहीं करनी ब्लैंकेट की, चमेली के ब्लैंकेट के लिए लड़ पड़े हैं बच्चे, हे भगवान। तो प्रिया जी आपने जो ये बेड भेजा ये भी हम खोलने वाले हैं और इस पे चमेली और उसके बच्चे, चमेली तो पूरी नहीं आएगी बच्चे ही पूरे आएंगे है ना, बच्चों के लिए ठीक है ये हाँ। ये उल्टा और ये ना इसमें सबसे खासियत देखो ये जो फैब्रिक है ना ये वॉशेबल है, खराब नहीं होगा ये, मतलब अगर गंदा भी कर देंगे पानी से निकाल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। चलो इस पे बच्चे सोएंगे आज रात ना चमेली के, ठीक है जी। तो गाइस यहाँ पे हो गई है शाम की मील चमेली और उसके पपीज की। अरुण भैया उससे पहले ना आप ये चीज लगा लेना अंदर, अब जब बच्चे काम करना, जब बच्चे खाना खा लेंगे ना, आप मुझे पकड़ा दो अभी, जब बच्चे खाने में बिजी हो जाएंगे ना तो उनका वहां से वो हटा के नहीं लगा देना। हेलो क्या कर रहे हो बाबू लोग, बाबू लोग चमचम अभी नहीं खोलूंगी मैं, अभी थोड़ी देर में खोलूंगी काके। लो लो ये देख तेरे बेबीज के लिए ना किसी ने गिफ्ट भेजा, चम्मू ओ चम्मू देख तेरे बेबीज के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा। तो चारों बच्चे यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने, जितनी देर वो खाना खाएंगे अरुण भैया वो एरिया साफ करके उनका बेड रख देंगे। थैंक यू सो मच प्रिया जी। और रात को सोने से पहले हम भैया इनके ऊपर कंबल उड़ा देंगे। तो ये देखो ये इस पे सो रहे थे और अब फाइनली इनके लिए चमेली, देखो कितनी खुश है प्रिया जी आपको ना दिल से थैंक यू कह रही है। आ जाओ अरुण भैया, हाँ ये गंदा ही हो रहा है, थैंक यू। तो गाइस ये बेड फाइनली चमेली के बच्चों का प्रिपेयर हो गया, मैंने इसको थोड़ा और वो कर दिया। लूना खाना खाओ, इधर आओ, लूना खाना ही नहीं खा रही, पता नहीं लूना खाना नहीं मिलेगा उसके बाद ताके, उसको लग रहा है यहाँ कोई खाने की चीज है, बाबू खाने की चीज नहीं बेड है, पता नहीं खाना नहीं खा रही, भैया इसको लगाओ खाने पे। गाइस आप लोग जो डोनेशंस भेजते हो मॉनेटरी वे में या फिर सामान के तौर पे, हम उसकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और वो सारा जो होता है फंड हो या चीजें हो चमेली के काम आती है। तो अब टॉयज और कुछ
तो प्रिया जी ने ये डोनेट किया है फॉर चमेली एंड हर पपीज। थैंक यू सो मच दिल से। अगर आप में से कोई और कुछ डोनेट करना चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, या फिर अगर आप इनके लिए फंड्स डोनेट करना चाहते हैं तो ये रहा नीचे यूपीआई आईडी, आप इस पे फंड्स भी डोनेट कर सकते हैं। और प्रिया जी ने इसके साथ साथ जैकेट भेजा है, प्रिया जी ने इसके साथ थोड़े वो भी भेजे हैं ट्रीट्स और इनके खाने पीने का सामान और टॉयज, तो वो भी हम इनको दे चुके हैं।